हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, B2P के द्वारा अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 6/6/2023, यानी कि आज के डेट में। और अभी अभी B2P के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये तो होना ही था, और जावेद सर ने भी बता दिया था। विषय की बात करें तो विषय कुछ और है, लेकिन अभी सारी चीज़ें आपको नीचे मालूम चल जाएंगी। यहाँ आप देखिए, परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा यानी कि जो डिफार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनका ईयरली एग्जाम होता है, विशेष बैक पेपर परीक्षा यानी कि स्पेशल बैक पेपर परीक्षा और बैक पेपर के परीक्षा जितने एग्जाम होने वाले हैं, जून 2023 हेतु प्रश्न पत्र ऑनलाइन संप्रेषण किए जाने हेतु उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में, यानी कि जो आपके प्रश्न पत्र वगैरह ऑनलाइन तरीके से आते हैं तो आपके कॉलेज में, जैसे कि बोर्ड से डायरेक्टली ऑनलाइन तरीके से भेजे जाते हैं आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज वाले वहाँ से छाप करके प्रिंट आउट निकाल करके आपको देते हैं, तो इसके बारे में तो आपको, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूट के लिए भेजा गया है। लेकिन यहाँ आप देखिए महोदय, उपरोक्त विषय को अवगत कराना है कि परिषद की सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 जून माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि प्रारंभ होना संभावित है, यानी कि अभी भी कंफर्म नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं 12 से नहीं होने वाले हैं, 25 के बाद ही होंगे। लेकिन कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती हम कैसे कन्फर्म हो पाए। और जाहिर सी बात है कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती आप कन्फर्म नहीं हो सकते कि कब होगा कैसे होगा। लेकिन अब तो ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है कि जून माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है, और विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 की भांति उक्त परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों के ऑनलाइन तरीके से संप्रेषण किए जाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, उपकरण लगते हैं, उनकी तैयारी के लिए आपके इंस्टीट्यूट को कहा जा रहा है। लेकिन सीधे शब्दों में मेंशन है कि अंतिम सप्ताह, मतलब जून माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है। अभी देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे समस्या क्रिएट हो रही है, जो आपके JEE कप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, उनका 28 तारीख के आसपास लगभग एडमिट कार्ड आएगा, और हो सकता है उनका भी एग्जाम जो हो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होने वाला है। तो हो सकता है कुछ और बाधा बन सकती है, हो सकता है 2, 3, 4, 5 के आसपास JEE कप का एंट्रेंस एग्जाम हो तो उसमें भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन अभी भी ये संभावित तिथि ही है, अभी मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी ये संभावित है। हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार कह चुका है, मतलब मैंने आपको कई बार कहा है कि हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, लेकिन इसमें मेंशन है कि हाँ चलिए जून के अंतिम सप्ताह में आपके एग्जाम वगैरह कराए जाएंगे, लेकिन वो भी अभी संभावित चीज़ें हैं। अब देखिए आगे क्या अपडेट निकल के आती है। काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में थे कि डेट पता नहीं कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, हम तैयारी कैसे करें, या फिर घर जाएं या फिर ना जाएं। कुछ बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्लियर कर लीजिए कि आपका जो एग्जाम है 25 के बाद ही एक तरीके से मान के चल सकते हैं, हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि आपका B2P एग्जाम कब कराएगा, जुलाई में कराएगा या फिर जून में ही स्टार्ट कर देगा? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही अपडेट थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।